हेलो गाइस, ऑलमोस्ट सुबह के 5 बज गए हैं और अब हम निकलने वाले हैं कैंची धाम के लिए। मेरे साथ हैं अंकित भैया, मोहित भैया। हाँ ये कर लो पहले। गाइस बड़ी मिन्नतों के बाद मोहित भैया को अगली सीट मिल गई है। पीको के कई घुसन पड़े इस चक्कर में। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। हमारा जी घबरा रहा है भाई, क्योंकि अंकित भाई चला रहे हैं और अंकित भाई का इतिहास गवाह है। भाई सबसे यही कहना है लेडीजों से खासकर कि भाई तुम्हारा पति है कहीं धार्मिक जगह जा रहा है तो सुबह से पुनः पुनः मत करो। अच्छा और साथ तो बिल्कुल मत जुड़वाओ। अब हमारे अंकित भाई है, अब तू गया बेटा। भाभी का हाथ पैर जोड़ के जोड़ के आया हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यात्रा शुरू ही हुई थी तभी गाड़ी द्वारा चीज कर दी गई है। हाँ। पेस लगा रहा हुआ क्या है, वो पिन हो रहे हैं, वो खुलने वाली लगने वाली। रास्ते में हम लोग एक भाई को लेना है रास्ते में से कांट से, वो हमें कांट मिलेगा। हम यहाँ रुक गए हैं भाई नाश्ता करने, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाली पेट है बिल्कुल। और ये हमारा प्रियांक पीके, जब इसको भूख लगती है रोने को तैयार हो जाता है। इसकी शक्ल देख लो, 12 बज रहे हैं इसकी शक्ल। मैं तो जहर ही लूंगा फिर कहूंगा। मैं भाई गंद फैलाने वाले जानवर को लाना नहीं चाहता था, लेकिन इस पशु को लाया गया फिर भी। बड़े आ गए, चाय और आएगी। सब पराठे वाले ही, चाय वाले भी कोई नहीं खाली? सब पराठे वाले, सब पराठे चाय। एक नया पराठे चाय, ये भाई हमारा चाय नहीं पीता। पी के ठीक है, रगड़ दिया है घी, ये जल्दी खाएगा दूसरा लेने के लिए। घी कोई मारते हैं प्यारी, समझ गई। हमने खा लिया है झिक के। ये है लेस। तुम लेस खाते हो? अबे इसमें तो गुंडा पानी है। चार्ज में तो पापा हो, गुंडा पानी है इसमें तो। क्या कह रहा चूतिया? आज का ज्ञान यही है, हराम का जितना भी मिले उतना खाओ, जहर भी है तो रखो, चूहे मारने का काम आएगा। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। आज तो मौसम बेईमान हो रही है। अरे बहुत बढ़िया मौसम है आज, मजा आ गया कसम से। कैसा फील कर रहे हो मोहित भाई? चैनल माई यूट्यूब। अरे भैया क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भाई हम नैनीताल पहुंचने वाले हैं, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बड़ा सुहाना मौसम है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत अच्छा मौसम है आज। पकोड़े बोले मेरे भाई, पकोड़े पकोड़े। ये हमारा भाई चाय पकोड़ा बेच रहा है, एक बार प्लीज बोल के दिखाओ। पकोड़े बोले मेरे भाई। और ये हमारे गोलू भाई, खत्म हो गया भैया तो। इनका तो मैटर ही खत्म हो गया है। ये हमारे अंकित भाई बस दांत निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विमल विक्ट्री, और ये गलत चीज है। मेरे भाई के चेहरे पे थोड़ी उदासी, ये आगे नहीं बैठ पाया। आगे से ध्यान रखिएगा। हम लोग पहुंचने वाले हैं नैनीताल, यहाँ से है लगभग 5-6 किलोमीटर और मौसम काफी खराब है, विजिबिलिटी बहुत कम है, देख सकते हो। और मोहित भाई को काफी परेशानी हो रही है गाड़ी चलाने में, तुम चला आप लोग देख सकते हो। इन लोगों से काफी मना किया, हमें इस तरह से नैनीताल का सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये और कुछ लोग सोने के लिए आए हैं ये लोग। तो गाइस कुछ जो चूतिया लोग आते हैं, ये नैनीताल नहीं गाड़ी की अगली सीट पे बैठने के लिए आते हैं। ये आजकल के नल्ले बेरोजगार साले अपना नाम अंकित धर लेते ताकि बड़े नल्ले वाली लड़कियों को लगे ये साले बड़े कोठी वाले आदमी है, लेकिन ये साले नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के। खत्म हो गया भैया मैटर। भाई हम कैची धाम पहुंच गए हैं और आज मौसम बहुत खराब है, बहुत बारिश पड़ रही है, सुबह से बारिश पड़ रही है और गाड़ी में बैठे हुए हैं। देखो आपको दिखाता हूँ मैं, देख सकते हो
सुमित बिल्कुल मर चुका है इस टाइम, जीवित नहीं है ये। बैटरी खत्म हो गया इसका, बैटरी खत्म हो गया आज इसका। और ये अंकित है, लगता है वाइफ की कॉल आ गई अंकित की, इसलिए शकल उतर चुकी है इसकी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। देख एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, पहुंच के दूसरे पे भी हाय लिख के भेज दिया। बस हम पांच में से यही एक बंदा कैद है, आजाद परिंदे हैं। बारिश तो रुक नहीं रही तो सोचा हम ही निकल लें। आलोक भाई कैडी चीज भाई को चला देंगे धीरे धीरे। और मेरा भाई अमित सीला हुआ है इस टाइम। आ जाओ, पैर दिखा इसके, पैर पैरों पे थोड़ा दर्द होता हुआ, ये कमजोर पैर है यार मेरे। ये किसान के पूत हैं, किसानी भी इन्होंने करी है लेकिन ये लगे पैर नहीं चल पा रहे। किसानी करी है, फालतू की किसानी करी है। एक हमारे मजदूर साइड के लोग देखो कैसे चल रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है रोड वगैरह बनाने का। मजदूर तबके के हाथ, मौसम बहुत खराब है, भगा भी जाने का, तेज बारिश आ गई तो जैसी बाबा की इच्छा। वो लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। आ जाओ पार्टी, प्रसाद ले लिया है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि अंदर कैमरों पे प्रतिबंध है, अंदर हम कैमरा ही नहीं लेके जा सकते, तो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। अंदर मंदिर बहुत बड़ा है, इधर आप देखो राइट कॉर्नर से, वहाँ से राइट जाते हैं, फिर जाके बाबा जी की मूर्ति है। अपने तो सिर्फ राम है। दर्शन हो गए हैं और मन प्रसन्न है, प्रसन्न है नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, अपने हंसते चेहरे दिखाओ। ये हो बाबा की। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम चलते हैं। देखो पत्थर चलना बड़ा कैड़ा पड़ा है, वो गाड़ी खड़ी उधर। चलो जय श्री राम।